ईद अपनों के संग जूं जूं ईद करीब आ रही है। लाहौर के बस अड्डों पर रश बढ़ रहा है। हर गुजरते रोज़ के साथ परदेसी अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बढ़ते किरायों से तंग है। जैन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। परदेसियों की ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला शुरू है। लाहौर के बस अड्डों पर रश बढ़ गया। मुसाफिर जहाँ बसों और दीगर गाड़ियों की टिकटें आसानी से न मिलने का गिला करते हैं, वहीं किरायों में इजाफे पर भी परेशान हैं। सामान हाथों में उठाए परदेसियों का लारी अड्डों पर ख्वार होना मामूल है। कहते हैं ईद अपनों के संग मनाकर ही मजा आता है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी किराए बहुत ज्यादा हैं। बस हम तकरीबन 1.5 माह बाद घर जा रहे हैं। ईद की खुशी भी है तो बहुत खुशी हो रही है। ईद पे जा रहे हैं घर। फिलहाल तो रश इतना नहीं है, लेकिन बाद में रश तो होगा, जहरी बात है। इसलिए हमने कोशिश की है कि पहले चले जाएँ, बाद में रश से बच जाएँ, क्योंकि बाद में जाने में थोड़ा मुश्किल होती है, परेशानी होती है। बंदा चला जाता है लेकिन मुश्किल से जाता है, इसलिए हमने कोशिश की है कि थोड़ा पहले चले जाएं। आबाई इलाकों को वापसी के लिए अड्डों का रुख करने वाले मुसाफिर सिर्फ इजाफी किरायों से ही तंग नहीं, बल्कि दीगर सहूलतों के फुकदान की वजह से भी मुश्किल का शिकार हैं। कैमरामैन जिशान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।